I gave you my heart. हेलो गाइस, मैं हूँ मनीषा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम DSA के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं आपको फंडामेंटल के अभी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल करवा चुकी हूँ। एंड मैं आपको IMP क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंतर्गत 2 पार्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये हमारा 3rd पार्ट है और अब मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाली हैं और 1 फरवरी से एग्ज़ाम है। समय कम है, सब्जेक्ट हमारे पास 3 हैं, अभी हम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, 2 और बाकी हैं। तो डेली का एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे ही हमारा फंडामेंटल फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट PC पैकेज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है। देखिए, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें से कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई लाइन आपको सर्च करनी है तो आप कैसे करेंगे? आप ये कर सकते हैं फाइंड ऑप्शन के माध्यम से, ये आपको एडिट मेन्यू के अंदर मिलेगा। और अगर आप इसको शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से आप Ctrl+F प्रेस करिए, फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। अगर इंटरनेट पर कोई वस्तु अवेलेबल है और आप उसे आपके सिस्टम पर चाहते हैं तो इंटरनेट के सर्वर से आपके कंप्यूटर पर लाया हुआ डाटा डाउनलोडिंग कहलाता है। और अगर आपके पास कोई वीडियो डाटा अवेलेबल हैं और आप उसे इंटरनेट पर डाल रहे हैं तो वो प्रोसेस अपलोडिंग कहलाती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? देखिए, अगर आपको ब्रोशर बनाने, पोस्टर बनाने हैं और न्यूज़लेटर वगैरह बनाना है तो इसके लिए DTP जो अवेलेबल होता है, एडोब के द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है ये। इसके अंतर्गत पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रो, ये 3 सॉफ्टवेयर मेनली यूज़ आते हैं। आपके सेकंड सेम में ये सब्जेक्ट रहेंगे, DTP के नाम से ही आएगा और तीनों ही आपके साथ रहेंगे। आप कोरल वगैरह चूज़ कर सकते हैं या आप फोटोशॉप या पेज मेकर ले सकते हैं। तो ब्रोशर और पोस्टर और न्यूज़लेटर वगैरह जो हैं ये किस में बनाए जाते हैं? DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, चैट क्या है? ये तो आपको समझाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग सभी चैट ज़रूर करते होंगे। तो आप जो बातचीत करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से टेक्सचुअल, उसको क्या बोलते हैं? चैट। अगला देखते हैं, अर्थमैटिक ऑपरेशन। देखिए, अर्थमैटिक ऑपरेशन में क्या होता है? आप जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस क्या, कौन से ऑपरेशंस कहलाते हैं? अर्थमैटिक। लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। अगर लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह का उपयोग करके अगर आप कर रहे हैं उपयोग, तो वो अर्थमैटिक ऑपरेशन। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, कोई प्रस्तुतिकरण डिज़ाइन करना है, तो आप ये PowerPoint के माध्यम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? देखिए, जंक ईमेल का अन्य नाम का स्पैम, इसको ज़रा समझिए। आपने सभी ने मेल आईडी वगैरह बना रखी होगी, आपने देखा होगा कि कई बार आपके मेल पर ऐसे ऐसे मेल आते हैं जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, या कोई फर्जी कंपनी है वो आपको भेज रही है, तो ऐसे मेल क्या कहलाते हैं? स्पैम। ये आपके सिस्टम या आपके मेल आईडी को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। ये क्या करते हैं ये लोग, कुछ कंपनी वगैरह आपको मेल करती हैं, ये डायरेक्टली स्पैम में चला जाता है। अगर आप उसके ऊपर लिंक क्लिक करते हैं और अगर आपने उस पर लिखा है कुछ और आपने लिंक पर क्लिक किया तो आपका डाटा हैक भी हो सकता है। तो प्लीज़ केयरफुल, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए।
किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, स्पाम मेल में आए हुए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। देखिए, ई कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉमर्स यानी कि वाणिज्य व्यापार। पहले जो व्यापार होता था वो ऑनलाइन नहीं था, लेकिन अब जो है वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑनलाइन हो गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। इससे क्या हो गया कि जो व्यापार करने का तरीका है वो आज पूरा ही चेंज हो गया। जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, ठीक है। पहले आप शॉप वगैरह में जाते थे, आपका टाइम वेस्ट होता था, आप ये आप चीज़ आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लग गए हैं। आपको अगर किसी को पैसे भेजना है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है। देखिए, जो फाइलें एक दूसरे से रिलेट करती हैं उन फाइलों के संग्रह को हम रिकॉर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाले मॉडेम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, फिक्स्ड मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कैरेक्टर का सेट, कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जैसे आप मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, उसी प्रकार आप ईमेल के अंदर भी आपके जितने भी मिलने वाले हैं, फ्रेंड्स या बिजनेस से रिलेटेड, उन लोगों की लिस्ट बनाकर आप रख सकते हैं। वो लिस्ट कहलाती है एड्रेस बुक। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है। देखिए, मॉडेम का जो कनेक्शन है वो आपके लैंडलाइन फ़ोन के साथ किया जाता है। और मॉडेम का अगर वर्क समझें तो देखिए, जो लैंडलाइन फ़ोन होता है वो एनालॉग सिग्नल को जनरेट करता है, जबकि हमारा सिस्टम जो है वो डिजिटल सिग्नल को जनरेट करता है। तो मॉडेम का कार्य ये होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इन सिग्नल्स को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है। देखिए, केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। अगला प्रश्न लेते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। देखिए, वाणिज्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कोई डाटा है उस पर प्रोसेस करना क्या कहलाता है। उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल हो उनको तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं। आउटपुट, आपने कोई चीज़ डाली सिस्टम के अंदर, इनपुट करी, वो डाटा प्रोसेस्ड होके आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में एलयू में सीपीयू के एलयू में होते हैं। सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। आपने बहुत सारे रजिस्टर पढ़े होंगे, एक्यूमलेटर रजिस्टर, है ना, ऐसे करके बफर मेमोरी रजिस्टर बहुत सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात एएलयू, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर आदि। चलिए, सॉरी, मतलब तीनों होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये तो कहा ही जाता है कि सीपीयू है ना, सीपीयू की बात तो हो ही गई, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, तो माइक्रो चिप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, स्लॉट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है, मिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल है, पास्कल क्या, ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे पास्कल, कोबोल, फोर्टेन आदि आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? देखिए, कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है जो बाइनरी लैंग्वेज है, उसके जस्ट बाद एक लैंग्वेज बनी थी असेंबली। असेंबली भी लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ही आती हैं, पर यहाँ पर प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? फॉरटेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, क्या कहते हैं? रिजर्व कीवर्ड्स। देखिए, यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है जिनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को समझा रखा है। कंपाइलर कौन? जो ट्रांसलेशन का काम करेगा। जैसे कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि प्लस का जो साइन हो गया वो किसके लिए उपयोग में आएगा? एडिशन के लिए। माइनस का साइन जो दे रखा है वो माइनस के लिए। हम उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को समझा रखा, उसको हम प्रोग्रामिंग के दौरान वेरिएबल के रूप में उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो फॉरटेन। अगला प्रश्न है, चलो ये हमने पढ़ लिया था, वे वर्ड्स वाला, कीवर्ड्स वाला भी पढ़ लिया है। अगला देखते हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? अगर कोई प्रोग्राम है, और देखिए प्रोग्रामिंग की तीन स्टेप्स होती हैं, उनको स्टेप्स को समझिए आप। अगर कोई बंदा बिल्कुल नया है और वो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा? उसको जो है एल्गोरिदम सिखाई जाएगी। एल्गोरिदम, देन फ्लो चार्ट, और फिर प्रोग्रामिंग। तो जो फ्लो चार्ट होते हैं वो क्या होता है? चित्र के रूप में किसी प्रोग्राम का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोरटेन किस क्षेत्र में उपयोग होती है? तो इसका उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है? तो ये व्यावसायिक कार्य, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, कोबोल। कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती हैं, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है किसका करती है? न्यूमरिक कोड का। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती हैं, कौन सी है? जावा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जावा। ज़्यादातर वेबसाइट जो है जावा लैंग्वेज में ही बनाई जा रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, किसके द्वारा लाई जाती हैं? वेब सर्वर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ऐसा आपने कहाँ देखा होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला प्रश्न है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन। अगर आपको कंप्यूटर में कोई काम करना है तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जैसे कि आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टीटीपी के सॉफ्टवेयर्स वगैरह का उपयोग करेंगे तो ये सब एप्लीकेशन की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और राइट सेक्ट रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सेल। अगला प्रश्न है, ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैकबॉल जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो संभावना है? अगर आपका जो सिस्टम है अपने आप रीबूट हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? कि उसमें वायरस हो, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कमांडों की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? अगर आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं या वो चाहे कहीं पे भी स्टोर हो, हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आप जैसे ही उसको डिलीट करेंगे वो तुरंत रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाती है। आप चाहो तो वहाँ से वापस रिस्टोर कर सकते हो या परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। और आप चाहते हो कि वो रिसाइकल बिन में ना जाए, वहीं से आप क्या करो, परमानेंटली डिलीट कर दो, तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस कर सकते हैं, तो आपकी फ़ाइल बाहर से ही क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, फिर वो रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईडीपी क्या है?
ईडीपी तो है, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जो हमारा डाटा है उस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेसिंग करना। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो कैसा है, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चतुर्थ यानी कि फोर्थ जनरेशन। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 12 आपने देखा होगा, F1 से लगाकर F12 तक की कीज होती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को कहते हैं, तो आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट पर छोटी छोटी सी बारीक लाइन बनी हुई आती है, उनको बारकोड बोलते हैं, और उनको पढ़ने वाली जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है, तो प्राइमरी स्टोरेज होता है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर आपका डाटा इंटरनल स्टोरेज में ही जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न, सेलफोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, रैम वॉलेंटाइल मेमोरी है, क्योंकि रैम को वॉलेंटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि उसके अंदर जो डाटा होता है वो तब तक ही रहता है जब तक कि क्या हो रहा है, पावर मिल रहा हो, है ना, हमारे सिस्टम को। अगर हमारा सिस्टम बंद हो गया उस कंडीशन में हमारा डाटा वहाँ से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। देखिए ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी जिन लोगों की एग्ज़ाम हैं, जिन लोगों को चैनल के बारे में नहीं पता है, उनको आप बताइए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री स्टाइल होता है, फर्मवेयर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा जिस कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझती है कहलाती है मशीनी भाषा। देखिए, अगर आप कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही निर्देश दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मशीनी लैंग्वेज आती है और आप मशीनी लैंग्वेज में करते हैं तो किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप अदर लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं तो फिर ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगला देखते हैं, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो टेराबाइट। आपने पढ़ी होगी यूनिट्स वगैरह डाटा को स्टोर करने की। सबसे पहले अगर देखें तो बिट से स्टार्ट होता है, अगर ऐसे 4 बिट होते हैं तो एक निबल बनता है, और अगर ऐसे 8 बिट होते हैं तो 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट होते हैं तो 1 किलोबाइट बनता है, और 1024 किलोबाइट होते हैं तो 1 मेगाबाइट बनता है, और 1024 मेगाबाइट होता है तो एक क्या बनता है, गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट होता है तो 1 टेराबाइट बनता है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी है, टेराबाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बाइट। अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे, तो आपने देखा होगा फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। ठीक है, किसको करते हैं, कंप्यूटर वायरस किसको नष्ट करेगा, तो जो भी प्रोग्राम हमारे स्टोर होंगे उनको। अगला है, गूगल क्या है, तो देखिए गूगल एक सर्च इंजिन है, पिछले वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी थी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो बाइनरी सिस्टम का। अगला है, अर्नेट क्या है, देखिए अर्नेट जो है वो एक कंप्यूटर का नेटवर्क है। अगला है, वैसे यहाँ पर मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, अर्नेट नहीं होगा, अर्पानेट होगा। ठीक है, तो अर्पानेट क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, अगर आपको एक नई स्लाइड लेनी है तो आप Ctrl+N प्रेस करिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, डाटाबेस। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको 180 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आपकी कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। ठीक है गाइस, थैंक यू।